अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही, कहीं टेंट सिटी बस रही तो कहीं दूसरा कार्यक्रम हो रहा, लेकिन इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से संत और आम लोग पहुंच रहे हैं, तो वहीं वीवीआईपी लोगों का भी जमावड़ा होगा जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इस बीच खबर आ रही कि अयोध्या की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 30 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी पहुंच रहे। एयरपोर्ट समेत कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। अयोध्या एयरपोर्ट जहां बना है, पहले वहां पर सिर्फ एक छोटी सी हवाई पट्टी थी। फैजाबाद में मौजूद अवध यूनिवर्सिटी के पास से ये रनवे है जिसे अब एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया गया। अब इस एयरपोर्ट पर जो पहला विमान उतर रहा वो है भारतीय वायुसेना का बोइंग 737NG एयरक्राफ्ट। इस विमान को एयर हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन ऑपरेट करता है। इस विमान की सभी उड़ानें नई दिल्ली के पालम एयरफोर्स स्टेशन से होती है। AHQCS को प्यार से पेगासस बुलाते हैं। पीएम मोदी जिस विमान से अयोध्या जा रहे हैं उसका काम वीवीआईपी मूवमेंट, स्पेशल एयर मिशन और एयरलिफ्ट के लिए इस्तेमाल होता है। इस विमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही उड़ान भरते हैं। अगर किसी अन्य मंत्री और अधिकारी को इसकी जरूरत है तो उसे रक्षा मंत्री से अनुमति लेनी होगी। जो मंत्री या अधिकारी इस विमान में उड़ान भर सकते हैं वो है रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष, डिफेंस सेक्रेटरी, कैबिनेट मंत्री या रक्षा संगठनों से जुड़े हुए सैन्य और दूसरे अधिकारी। चलिए अब समझते हैं इस विमान की खासियतों के बारे में। दरअसल बोइंग 737NG में एनजी का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन, यानी अगली पीढ़ी का विमान। इस विमान का कॉकपिट ग्लास का होता है, यानी इसमें बैठे दोनों पायलटों को काफी बड़े इलाकों का स्पष्ट नजारा मिलता है। इस विमान में आमतौर पर 220 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन जब ये वीवीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है तब इसमें कई बदलाव किए जाते हैं। 138.2 फीट लंबे इस विमान की ऊंचाई 41.2 फीट है। केबिन की ऊंचाई 2.20 मीटर होती है। इस विमान में एक बार में करीब 30,000 लीटर फ्यूल आता है। टेक ऑफ के लिए इसे 3 किलोमीटर का रनवे चाहिए। ये विमान अधिकतम 871 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। अधिकतम 41,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। एक बार में 5,460 किलोमीटर उड़ान भर सकता है। तो ये तो रही बोइंग की बात। दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर को होने जा रहा। इसी दिन दिल्ली से पहली उड़ान 30 दिसंबर को इस हवाई अड्डे पर उतरेगी। इससे पहले व्यवस्थाओं की जांच के लिए 22 दिसंबर को ट्रायल किया गया। इस दौरान हवाई पट्टी पर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग कराई गई। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो पहले चरण में अयोध्या से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए उड़ान शुरू करने जा रहा। गौरतलब है कि इंडिगो अयोध्या हवाई अड्डे से संचालित होने वाली पहली एयरलाइन होगी। अयोध्या एयरलाइंस कंपनी का 86वां डोमेस्टिक डेस्टिनेशन होगा। बताया जा रहा है कि फ्लाइट के जरिए 1 घंटा 20 मिनट में दिल्ली से अयोध्या की दूरी तय हो जाएगी। खैर, अब आपका क्या कुछ कहना है बोइंग को लेकर और अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।